अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज धूप निकल आई है जिसकी वजह से हमने अपने पैड्स को निकाल दिया है, लेकिन ये उड़ रहे हैं, अभी डर गया ये। बाकी ये हमारे पैड्स वगैरह बचे हैं, खाना वगैरह इनको हमने दे दिया है। ये इस मटकी की वजह से काफ़ी लड़ रहे थे, ये वाली वो वाली सारे आपस में इसी मटकी के पीछे लड़ रहे थे। हालांकि दो मटकियाँ और भी पड़ी हैं, हालांकि इन्होंने अभी अंडे देने नहीं है। इसका तो मेल है ही नहीं रेड आइज वाली का, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही शोर करती है, बोलती रहती है और इस मटकी के पीछे लड़ती है। तीन चार हैं जो मटकी के पीछे लड़ते हैं, दो ये बैठे हैं, दो तीन तीन नीचे बैठे हैं, ये सारे इस मटकी के पीछे लड़ते हैं। बाकी लेकिन वो मटकी भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, लेकिन नहीं इसी मटकी के पीछे लड़ते हैं। और धूप निकल आई है और हमने अपनी बेबी डक को भी ऊपर लेके आया है, वो धूप में पड़ी है। अब जाता हूँ मैं आपको बेबी डक दिखाता हूँ, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये गंदम है जो बड़ी हो चुकी है, ये अनार का पौधा है, ये हमारे धनिया वगैरह लगे पड़े हैं सारे, उसमें भी सब में ये एलोवेरा जेल है और ये गुलाब का पौधा है, इसके अंदर भी धनिया लगे हुए हैं। अब चलते हैं आपको बेबी डक। ये है बेबी डक, ये देखिए इसकी आवाज़ मुझे लग रहा है चेंज हो रही है, ये बोल रही है। ये पानी वगैरह अभी दिया था इसने, सारा गिरा दिया है। इसे बाहर भी निकाला था, तीन चार राउंड लगाए थे पूरे घर के, धूप लगवाने के लिए ले आए हैं। चार लेके आए थे वो, आपको पता है एक तीन मर गई थी, बस एक ही बची है। अब चलते हैं वापसी पैड्स के पास, अब नीचे चलते हैं, नीचे वाले पैड्स दिखाते हैं। ये वाले आपके सामने हैं, ये सारे बैठे हैं, अब नीचे चलते हैं, नीचे वाले पैड्स दिखाते हैं। ये हमारे बर्ड्स हैं, ये देखो अभी बच्चे इसके अंदर था, अब निकल गया यहाँ से, मेल भी अंदर ही है। ये बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, इसके अभी बाल नहीं आए, बाल आ जाएंगे। ये मेल है और इसकी फीमेल भी अंदर है, और आई थिंक अंडा दे दिया। ये पुराने अंडे पड़े हैं, शायद नया भी अंडा दे दिया। ये पुराने अंडे पड़े हैं, तीन चार जो पड़े हैं, बाकी इसने तो अंडे दे दिए थे, आपको पता है चार पांच अंडे दिए। घर देखे काफ़ी ख़राब हो गए, हम कहते हैं चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक चेंज नहीं किया हमने इनका घर। और बाकी और ये अंदर बैठी है, इसका पता नहीं है इसने अंडा दिया या नहीं दिया, इसे निकालते हैं बाहर, पता लग जाएगा। ये अंदर चली जाएगी, ये अंदर चली गई, नहीं अंडा नहीं है। ये मेल है, ये दो बच्चे हैं, ये मेल है, इसका पता नहीं है अभी। और ये बाकी बच्चे हैं, ये ब्लू फीमेल अंदर है, ये उसका मेल है। बाकी ये दोनों जोड़ी जो पहले थी, दो जोड़े अंदर थी ना, एक ब्लू वाली एक दूसरी, ये दूसरी वाली है। और बाकी चार बच्चे थे जो डाले थे अंदर। ये कॉकटेल है, ये इसके मुंह के ऊपर बैठा, पता नहीं बाहर क्या अंदर कब जाएंगे अंडे देंगे। और ये फिर अंदर चले गए अभी मुझे देख के, ये पता नहीं कब अंडे देंगे, इनका पता ही चलता कब बाहर होते कब अंदर से रहते। ये देखे ये बैठे हैं, फीमेल अंदर है, अंडा पता नहीं दिया या नहीं दिया इसका पता नहीं है। बाकी ये देखे एक दो तीन चार ये मेल है, बाकी इनका बाप है। अब ये यहीं पे बैठे थे खाना खा रहे थे, और ये दोनों ये मेल एंड फीमेल दोनों बाहर बैठे हैं। इसके बच्चे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, तीन है बेशक चार हैं पाँच हैं जितने भी हैं आपके सामने है। एक इसका अंडा पड़ा है, उसका पता नहीं बच्चा नहीं, वो अंडा है पता नहीं ख़राब हो गया क्या है। बाकी ये पहाड़ी तोता यहाँ पे बैठा है, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ यहीं पर आ जाता है। ये देखिए मासूम बन गया इतना। अब चलते हैं पिजन वगैरह के पास, उनका आवाज़ भी आ रही होगी आपको, चलते हैं वहाँ। इसके ये खाली है, बस बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे क्या पता लेंगे ना ले। बाकी देखें ये बच्चा बैठा है, आज ऊपर बैठा है, और उसके साथ फीमेल बैठी है, और ये मेल बैठा है, मेल अंडे के ऊपर बैठा है। इन्होंने आपको कल के ब्लॉग में मैंने बताया था अंडा दे रही है भाई। और ये इसका बच्चा है, ये मेल एंड फीमेल दोनों इधर ही आ जाते हैं जब मैं इधर आता हूँ। ये देखो ये बच्चा है इसका, ये उधर जा रहा है परली साइड, इसे बाहर नहीं निकाला अभी तक, हाथ भी नहीं लगाए, एक बार हाथ लगाया था इसे, डर लगता है इसे। ये देखिए इसके मेल दोनों ही काटने के लिए आ जाते हैं, जैसे हमने इसका कुछ उखाड़ा है उगाड़ा है जो भी किया है। बाकी ये अंडे के ऊपर बैठा है, ये खाली भी है, और फिर वापस अपने पैट्स के पास चलते हैं। ये भी हम शायद वापस कर दें, इसके बदले कुछ और ले लें,
लवबर्ड के बदले एक मंथ से और देखते हैं, एक मंथ के 15 दिन देखते हैं, अगर इन्होंने अंडा दे दिया ठीक तो ये ख़त्म, इन्हें वापसी कर देंगे और ले आएंगे इनकी जगह। कंफर्म भी नहीं है ये है तो मेल एंड फीमेल दोनों है, बाकी ये देखिए ये शोर कर रहे हैं क्या तकरीब क्यों आगे, ये हमारे दूसरे बच्चे हैं, इनका सोच रहा हूँ कि इन्हें वापस कर दूँ दूसरे कलर के ले आऊँ, क्या पता इनकी मटकी और लगा दूँ उसमें देख लूँगा कुछ दिन, वैसे इरादा तो वापसी होने का। ये इसके बच्चे सामने ये ताला बंद है नहीं तो मैं अभी खोल के आपको दिखाता, ये मेल खाना खा रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब ये सामने आ गया मेल, सामने आ गया, ये सामने ना आता तो मैं आपको दिखाता। और ये वापस हमें पर आ चुके हैं, अब ये स्कूल से बैठे थे मैं फिर शोर करने लग गया, डक हमारी भी फिर बोलने लग गई मुझे देख के, इनका खुराक वगैरह ख़त्म हुई पड़ी है, यहाँ तो है पड़ी जो इनकी असल है ना जो बाल्टी वगैरह में रखते हैं वो उधर ख़त्म हुई पड़ी है, अब जाते हैं खुराक वगैरह लेके आते हैं फिर हम आपको खुराक वगैरह दिखाएंगे, वो आपको कल दिखा दूंगा खुराक। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।